मैं डॉक्टर रामानुज प्रसाद बिहार लेजिस्टिव असेंबली का मेंबर हूं, सोनपुर 122 सोनपुर 122 सोनपुर वन ट्वेंटी टू सोनपुर से मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ एम एल ए हूँ जो आज के हमारे यूथ हैं वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं पॉलिटिक्स में काम करना चाहते हैं तो उनमें एक इंटीग्रिटी एक डिवोशन एक क्रिएटिव विजन और सबको मिला कर के एक मिशन होने चाहिए सोशलिस्ट जो हमारा प्रेसिडेंशियल और कंस्टिट्यूशन है उसको स्ट्रेंदन करने के लिए उसको मजबूत करने के लिए उसको बढ़ाने के लिए जैसे हम बैठे हुए अजय कुमार घोष जिन्होंने कहा है कि सोशलिज्म को हम ये करना और जो हमारा संविधान है जिसमें उसमें अंतर्निहित जो उद्देश्य दिए गए हैं वो कमज़ोर न पड़े उसको छिनभिन न किया जाए इस डिवोशन के साथ समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे और खड़े हुए लोग के अपलिपमेंट के लिए इस देश में समता और समानता जो जाति विहीन धर्म विहीन रंग भेद विहीन समाज की परिकल्पना के साथ आवे तब भारतीय लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी और हमारा राज राष्ट्र आर्थिक रूप से संपन्न होगा संबल होगा हमारे जो युवा हैं वो हमारे जो आइकॉन जो हमारे रहे हैं आज़ादी के जो लोग हमारे रहे हैं दीवाने जिन लोगों ने सेक्रीफाइस करके हमें आज़ादी दी है उनके जो आइकॉन्स थे जैसे सरदार भगत सिंह डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया गांधी नेहरू उस पर देश को ले जाने का एक संकल्प मजबूत संकल्प के साथ कि हमको भारत को दुनिया में एक मज़बूत लोकतंत्र बनाने में योगदान देना है देश को दुनिया का एक सबल और संपन्न राष्ट्र बनाना है और सबल और संपन्न राष्ट्र तभी होगा जबकि हमारे युवाओं को काम मिलेगा हमारे यहाँ रोजगार की ये होगी हमारी शिक्षा साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली होगी हमारी एजुकेशन जो कॉन्सेप्ट है चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर रहे या ओल्ड के नाम पर लेकिन उसका टेम्परामेंट जो है साइंटिफिक होनी चाहिए तब जाकर के नहीं हमारे फर्स्ट इलेक्शन के विषय में हमारे ये है कि हम लोग अब इलेक्शन लड़ने के पहले अपने क्षेत्र अपने राज्य और देश की सेवा के संकल्प के साथ आए एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो है हमारा जो सेकुलर सोशलिस्ट हमारा स्टेट बने यानी हमारा भारत बने उस अवधारणा के साथ राजनीति में आए चुनाव लड़े दो तीन चुनाव में हमें ये होना पड़ा लेकिन जब इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हुए वोटिंग बिहेवियर जब गया वहाँ तक कि वोटर से वोट कास्ट करने लगे सब लोगों को मतदान कर ये मिला अधिकार मिला तो हम लोगों को भी चुनाव जीतने का मौका मिला इसलिए इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स और हो डे टू डे हमारा ये हमारा अपना ये अनुभव है कि जो हमारी चुनावी सुधार प्रणाली है वो डिस्टर्ब की जा रही है वो डिस्टर्ब नहीं हो वो तटस्थ हो निष्पक्ष हो निर्णायक हो तब जाकर के हमारे भारतीय लोकतंत्र मजबूत होगा ये हमारा चुनाव लड़ने से अनुभव है और जहाँ तक है कि हाँ साहब चुनाव अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता तो जो मैं अपने क्षेत्र में काम करता हूँ तो हमारे यहाँ का जो जनजीवन है हमारे मतदाताओं का जो जनजीवन है रोजगार पर आधारित है कृषि की संभावना हमारे यहाँ कम है जोत की जमीन कम है हमारी जनसंख्या काफ़ी घनत्व वाली है तो उसमें हमने हमारे लोगों को कहा कि साहब काम हमें करने होंगे तो काम करने होंगे तो रोज़गार के साधन चाहिए उसके लिए हमने पहल करी और एक एक इनिशिएटिव लिया कि हाँ साहब हमारे यहाँ हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो हमारे यहाँ एजुकेशनल हब का डेवलपमेंट हो इंडस्ट्रियल हब बने उस पर मैं काम करता हूँ और अपने लोगों को भी कहता हूँ गरीब से गरीब व्यक्ति को भी कि सबसे बेहतर निवेश शिक्षा में निवेश सबसे बेहतर निवेश शिक्षा में निवेश इसलिए हर हाल में गरीब लोग जो संपन्न हैं संपन्न हैं जो गरीब भी हैं वो भी अपने बाल बच्चों को पढ़ाएं एक कुशल नागरिक बनाएं तभी हमारा क्षेत्र भी कुशल होगा और ये होगा आदर्श होगा और हमारा राज राष्ट्र भी तरक्की करेगा ये हम अपने क्षेत्र को मैनेज करने के क्षेत्र के मैनेज करने का ये है कि सुबह से ही उठ करके और मैं क्षेत्र के लोगों से मिलना जुलना उनकी समस्याओं को जानना उसके निदान में पहल करना और फिर उनके बीच घूमना गांव और गरीब तक पहुंचना, संपन्न लोगों के भी समस्या पर ध्यान देना और सामूहिक विकास पे लक्ष्य रखना लक्ष्य जो है सामूहिक विकास का बनाना और हमारे लोगों की जो डे टू डे लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं इसमें मैं प... योगदान दे सकता हूँ उनके एम होने के नाते उसको लीगल फोरम पर ले जाने का जो हमारा ये रहा है उसमें मैं प्रतिदिन लगा रहता हूँ बल्कि कुछ मामलों में अगर उनके लाइफ सेविंग्स के ये प्रॉब्लम्स हो यानी कि उनके हेल्थ केयर का प्रॉब्लम्स हो तो मैं राउंड द क्लॉक उपलब्ध रहता हूँ चाहे टेलीफोनिक ये पर हो या फिजिकली हो लेकिन अगर उनके किसी तरह की कोई एक्सीडेंटल कोई होता है उनके लाइफ डेंजर का कोई ये होता है तो मैं सोने जगने का भी ख्याल नहीं करता नहीं घूमते रहते हैं तो डेमोक्रेसी से बेहतर तो कोई जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हमारा अल्टीमेटली सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी है इसका ये बहुत सारी ये हो सकते हैं लेकिन इसका ऑप्शन नहीं है इसका कोई अल्टरनेट नहीं है डेमोक्रेसी का जो फॉर्म ऑफ है उसमें हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है ये सबसे बेहतर है और वही है ये ये आपसी संवाद और आपसी ये चर्चा चर्चा के आधार पर लिए जाने वाले निर्णय का नाम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो हमने अपनाया हुआ है दुनिया के बहुत सारे संविधानों से हमारी संविधान निर्माती सभा में जो डिस्कशंस और डिबेट्स हुए हैं उनको सुनने जानने के बाद लगता है कि हमारी संविधान निर्माती सभा जब बैठी थी तो दुनिया के जो बेहतर से बेहतर संविधानों से अच्छी अच्छी बातों को संकलित करके हमारी भारत की जो विविधता में एकता विविधता में एकता और अनेकता में एकता डाइवर्सिटी में यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी का ये है ये बचा रहे जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए भी समान अवसर हो और ख़ास अवसर हो ये सब का इसमें ख्याल रखा गया है इसलिए संविधान जो हमारी है जो सबके लिए है जो जाति धर्म की लड़ाई को ख़त्म करने वाली है फिर से देश को एक चौराहे पर खड़ा कर दिया गया है इस संविधान को बचाना है और अक्षुण रखना है और देश में सबके लिए देश बगैर भेदभाव का देश समतामूलक देश और समाज बनाने की अवधारणा